नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। अपनी बात शुरू करने से पहले दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों को आप तक सबसे पहले रखना चाहूँगा कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सूरत बदलनी चाहिए। अगर कहीं गलती हुई है तो वो गलती ठीक होनी चाहिए, और अगर कहीं गलतफहमी हुई है तो वो गलतफहमी निकलनी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म YouTube पर कई बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन उनमें से दो नाम, संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी, ये दो नाम अपने अपने क्षेत्र में अपनी खास पहचान रखते हैं। लाखों करोड़ों के इनके फॉलोअर्स हैं, और अगर दो बड़े नामों में किसी बात को लेकर के कहीं टकराव हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि ये बड़े नाम जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरक हैं, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इनको आदर्श समझते हैं, अगर इनके बीच में इस तरह की कंट्रोवर्सी होगी या वाद विवाद होगा, तकरार होगी, तो लोगों के मन में इनके प्रति एक दूसरी पिक्चर क्या बनेगी। मुझे याद हो आ रहा है 2019-20 का वक्त, जब तंत्र मंत्र के बड़े दरबार, चाहे पंडोकर सरकार हो, करोली सरकार हो, मन्नू भैया जी हो, या और भी कुछ बड़े नाम हो, उनके बीच में जब आपस में टकराहट चल रही थी, तो उनकी टकराहट के वीडियो को देखते देखते मेरे मन में एक बात आई थी कि ये इतने बड़े नाम, इतना बड़ा काम, इतने बड़े फॉलोवर्स, लोगों का इन पर इतना विश्वास, अगर ये इस तरह से लड़ेंगे तो सनातन संस्कृति के बारे में लोगों की सोच क्या हो जाएगी, और तब हम उस विवाद में हमारी एंट्री कहीं ना कहीं माँ भगवती ने करवा दी थी, और हमने वहाँ पर अपनी बात रखी। हम न तो इधर के थे न उधर के थे, हम निष्पक्ष थे, और उसमें हमने अपनी भूमिका निभाई थी। तो जब आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे स्वर मैंने सुने, दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो से सुने, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे संदीप माहेश्वरी जी का वो वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड पहले वो देखना चाहिए। तो संदीप माहेश्वरी जी के उस वीडियो में मैंने जो समझा, उसमें संदीप जी ने कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लिया, यद्यपि उन्होंने ये जरूर पूछा कि जब इन्फ्लुएंसर की बात हो रही है, मोटिवेशनल स्पीकर की बात हो रही है, कोर्सेज बेचने की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बात हो रही है, तो फिर बात हो रही है कि भैया कौन थे, तो सामने वाला जवाब दे रहा है कि यूट्यूब के बहुत बड़े नाम, तो उन्होंने ये कहा कि फॉरेन के, तो सामने वाला कह रहा है कि नहीं, इंडिया के। अब वो नाम क्यों नहीं बता रहा है, वो सारे तथ्य तो बता रहा है। कोई कह रहा है कि 50,000 का बेचा, कोई कह रहा है 35,000 का बेचा, लाख के भी हैं, लाख से बड़े के भी हैं, लेकिन हमें बिजनेसमैन बनाने के हिसाब से कहा गया था, लेकिन हमको सेल्समैन बना दिया। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, क्या कहीं कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है, जिसमें वो बंदा ये कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट सेल करने वाला बना दिया, और अब जब हम ये कहते हैं कि हमने जो समझा वो कुछ नहीं हो रहा, हमारे पैसे ही आ गए हैं, तो फिर हमें ये कह जा रहा है कि आप भी अपना ये कोर्स बेचो, कहने का मतलब प्रोडक्ट बेचो, उससे आपको ये कमीशन मिलेगा। उस वीडियो में एक बात जो समझ में आ रही थी वो ये आ रही थी कि अब अगर आप इसमें आ गए हैं और अगर आपको रुपए निकलवाने हैं अपने, तो फिर इसका मतलब साफ है कि आपको भी कई लोगों को इसमें एंट्री करवानी पड़ेगी, यानी फंसाना पड़ेगा। जो बंदा अपनी बात कह रहा था, उस बात का भावार्थ यही लग रहा है। अब चूंकि वो संदीप माहेश्वरी जी के YouTube चैनल पे आया है,
उनके लाखों करोड़ों लोग हैं। और टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड, नाम किसी का नहीं था। नाम किसी का नहीं होने के बाद में भी जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, उसमें बाद में जो दूसरे यूट्यूबर्स जो बोल रहे थे, उससे ऐसा लगा कि विवेक बिंद्रा जी की टीम की तरफ से कुछ एक्शन हुआ है। संदीप महेश्वरी जी के उस वीडियो को डिलीट करने का प्रेशर दिया गया है, या फिर उनके घर तक उनकी टीम के लोग गए हैं और वहाँ पर भी कुछ अशोभनीय ऐसालीन बात हुई है, जो कि संदीप महेश्वरी जी के शब्दों में यह बात आई है, जिसमें उन्होंने विवेक जी को ये इंगित करते हुए कहा है कि आप इस हद पर आ जाओगे कि आप वीडियो को डिलीट कराने की कोशिश करोगे, आप मेरे घर पर भी अपने लोगों को भेजोगे। तो उसका जवाब भी विवेक जी ने फिर दिया है। विवेक जी का जवाब थोड़ा सॉफ्ट लगा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, बड़ी कोमलता से उन्होंने कहा है कि आपने मुझे आपके चैनल में मुझे बुलाया, मैंने वहाँ पर आपके सवालों के जवाब दिए, अगर मन में कहीं कोई बात है तो मैं फिर कहता हूँ कि आप मुझे बुलाइए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, आपने मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया है। और फिर यह भी कहा कि मेरी टीम आपके घर तो गई थी, लेकिन ये इंटेंशन नहीं था और हम इस कल्चर के नहीं हैं, अगर किसी ने ऐसा किया है तो कोई ऐसा सबूत आप दीजिए, मैं उन पर एक्शन लेता हूँ और हम आपस में बात करें, संवाद करें। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने यूट्यूबर का वीडियो देखा, उसमें जो शब्दों की जो रील चल रही थी, विवेक बिंद्रा जी के भी चल रहे थे, संदीप महेश्वरी जी के भी चल रहे थे, तो उससे ऐसा लगा कि विवेक बिंद्रा जी संदीप महेश्वरी जी के साथ संवाद करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, कोर्स बेचना ये कोई अन्याय नहीं है। आपने अपनी मेहनत की है, आपने अपना समय दिया है, आपने कुछ ऐसा बनाया है, उसको आप बेच रहे हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन संदीप महेश्वरी जी की ही भाषा को मैं कोट करूंगा, आप 50 रुपये का कंघा बेच रहे हैं, कंघे को कंघे के आधार पर बेच रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप उस कंघे को मैजिकल कंघा बना करके और नए तरह की संभावनाएं, नए तरह के उसके लाभ बता करके उसको 50,000 में बेच रहे हैं तो ये उचित नहीं है। ये संदीप महेश्वरी जी के भी जो शब्द हैं उनसे सहमति बनती है, क्योंकि तार्किक बात है। और यह भी सच है कि जिस व्यक्ति ने जिस फील्ड में जितना समय लगाया है, जितनी मेहनत की है, अगर उसने कोई अपनी क्रिएटिविटी की है और उसके आधार पर वो अगर अपना कोई कोर्स बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आऊँगा, मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर जिनको लोग समझने लग जाते हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और ये जिम्मेदारी इस बात की होती है कि आप अपना एक शब्द भी अगर कहीं देते हैं तो आपके शब्द का भी असर होता है, क्योंकि लोग आपको प्रेरक समझते हैं, आपको आदर्श समझते हैं। आपके एक शब्द का भी वजन है तो आपके कोर्स का वजन तो फिर बहुत होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप जितनी संभावनाएं उसमें बता रहे होते हैं उससे ज़्यादा संभावनाओं के दरवाजे लेने वाले के लिए खुल जाएं। अगर ऐसा है तब तो आप न्याय कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आत्मचिंतन की आवश्यकता है। दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कहूं, मैं फिर दरबारों की बात से इसे कनेक्ट करूंगा। दरबारों में भी समस्या वाले लोग जाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के पास, इन्फ्लुएंसर के पास भी समस्या वाले लोग ही आते हैं। कोई डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन से निकलना चाहता है, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, किसी को यह पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर सकता है, वो उससे सुनना चाहता है। किसी को ऐसा लगता है कि
उसने इतनी मेहनत कर ली, अब थक गया है, लगता है उसकी तकदीर में अब कुछ नहीं बचा, वो बुष्ट होना चाहता है। तो समस्याओं से ग्रसित लोग ही इधर आते हैं और ये अपने आप में एक डॉक्टर से कम नहीं होते, इसलिए मैं बड़ा सम्मान करता हूं। पर जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। दरबारों के बारे में भी हमने एक बात कही थी, कुछ लोगों ने कहा था कि ये दैविक शक्तियों की पूजा करने वाले लोग हैं, तो क्या इनको पैसा लेना चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति अपना पूरा समय श्रम देता है, उसकी भी तो जिंदगी है, उसका भी तो परिवार है, वो पैसा क्यों नहीं ले। पैसा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन पैसे के साथ न्याय करना ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, हमने ये निवेदन जरूर किया था कि पैसे वालों से आप पैसा ले रहे हैं, अगर दो पैसा ज़्यादा भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के साथ दयालुता रखिएगा। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ गया और उसके पास देने के लिए आपके पास फीस नहीं है, तो कृपया उसकी फीस माफ़ कीजिएगा। ये समझिएगा कि आपने इसको निःशुल्क एंट्री दे करके आपने परमात्मा की इबादत की है, या फिर ये समझिएगा कि आप जितना कमा रहे हैं उसका कुछ भाग परमार्थ के काम में भी तो लगता है, आपने वो भाग वहां पर लगा दिया। ठीक इसी तरह से मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर के क्षेत्र के जो पथिक हैं, मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जब भी ऐसे संदर्भ आ जाए, कोई ऐसे व्यक्ति जिनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि उनको कुछ बड़ा बनना था, उन्होंने कहीं से भी, चाहे अपना पेट काट करके, चाहे अपना कहीं से उधार लेकर के, कहीं जुगाड़ लगा करके, कुछ अपना बेच करके अगर वो पैसा जुटाया है, वो आपको दिया है, और अगर वो संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर जो कहा गया वो उनके साथ नहीं किया गया, तो मेरी विनम्र निवेदन है सभी से, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सभी के लिए बात आती है, और कहीं ना कहीं ये मेरे पर भी आती है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन की परामर्शक के रूप में कहीं काम करता हूं, तो वो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर हमें जिम्मेदार होना चाहिए, उदार होना चाहिए। जिन लोगों का बड़ा काम है, बड़ा नाम है, और जिन लोगों के पास ऐसे बड़े क्लाइंट आते हैं, उन्हें अपना दिल इतना बड़ा, इतना उदार कर लेना चाहिए कि वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके लिए 50,000 35,000 लाख रुपया भारी है, उनको उनकी संतुष्टि न होने पर उनका रुपया लौटा दिया जाए। अब यह कह दिया जाए कि आप को तो हम और ज्यादा कमा करके दे रहे हैं, आप हमारे प्रोडक्ट बेचो। हो सकता है किसी के मन में यह बात आ जाए, भले ही आपका क्षेत्र ऐसा न हो, लेकिन किसी के मन में अगर यह बात बैठ गई कि मैं फंसा हूं और अब मुझे कहा जाना है कि मैं दूसरों को फंसा करके लाऊं, मेरा जमीर गवाह नहीं करता, तो मैं ये क्यों करूं। तो उसके लिए ये उदारता होनी चाहिए। और वीडियो को समापन के मोड पर लाते लाते मैं विनम्र निवेदन दोनों से करूंगा। संदीप महेश्वरी जी तो देखिए ऐसा नाम है, जो व्यक्ति YouTube से पैसे नहीं लेता, YouTube की कमाई नहीं लेता, आज करोड़ों रुपए ये व्यक्ति YouTube से कमा सकता है, लेकिन इनकी सोच देखिए कि मेरे व्यूवर्स, मुझे सुनने वाले, बीच में एड आने से उनका समय जाता है, उनका जो एक लय है वो भंग होती है, इसलिए मोनेटाइजेशन भी उन्होंने नहीं लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो विवेक भाई हैं, वो भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि आप
5,000 आदमियों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, 4,000 आदमी उनमें से बड़े बन भी जाते हैं, 1,000 आदमी किसी भी वजह से नहीं बनते। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी कमज़ोरी हो, कई बार उनकी कमज़ोरी भी होती है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। दरबारों के संदर्भ में भी मैं यही कहता था कि हो सकता है साधक ने अपना 100% आपको दिया है, लेकिन आपने कहीं कुछ प्रक्रियाओं में भूल की है, या फिर साधक की कोशिश पूरी रही है, आपका समय आपके साथ नहीं रहा है। तो जब तक समय नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दो बड़े नाम जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अगर आप आपस में विवाद करते दिखेंगे तो फिर लोगों के मन में क्या भावना जाएगी? आपके बीच में संवाद होना चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कहीं कोई गलत हुआ है और उस गलती की वजह से अगर और लोगों के बीच में भी गलत होने की संभावना है तो वो बात उठनी चाहिए, उठनी चाहिए। संदीप महेश्वरी जी का जो ये टाइटल है वो मुझे नहीं लगता उस वीडियो में किसी को टारगेट करके उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने एक, ये बात बिल्कुल सही है, एक संकेत जरूर दिया है। ये संकेत है और उन्होंने ये भी बताया है कि भाई जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म है आप जाकर के अपनी फरियाद करो, आप 100 लोग 50 लोग एक साथ जुड़ो। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर का, जिसको लोग सुनते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी भी बनती है। खैर, निवेदन यही है दोनों बड़े ब्रांडों से, दोनों ही बड़े ब्रांड हैं, संदीप जी भी और विवेक जी भी, दोनों के बीच में संवाद हो, ये जो विवाद है ये खत्म हो। और ये धमकी की बातें अगर इस तरह की आई है तो अगर हुई है तो निंदनीय है। हम जिस समाज में रहते हैं और हम जिस परिवेश में अपनी बात को कहते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और जिस बात के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर अगर हमारी भाषा, हमारे शब्द अगर हल्के पड़ जाएंगे तो फिर हम दूसरों को बताने की योग्यता फिर कहाँ रखते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके ब्रांड पर, आपकी प्रतिष्ठा पर बिना तथ्यों को जाने, बिना सत्य को जाने कोई आघात कर रहा है, कोई टारगेट कर रहा है, तो कानूनी कार्रवाई करने का हक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये हमारे भारत के लोकतंत्र का अधिकार है, ये किया जा सकता है। लेकिन अशालीनता की बात अगर कहीं होती है, घर तक पहुंचने की बात भी थोड़ी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा विवेक ये कहता है कि अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो उस व्यक्ति से बात की जाए, उसके कार्यालय में जाकर के बात की जाए, उस व्यक्ति से संवाद किया जाए। घर तक पहुंचना, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, कैसे हुआ, क्या हुआ। विवेक जी अच्छे से जानते हैं और विवेक जी ने भी अपने उस संवाद में कहा है, जो मैंने एक YouTube में शब्दों की जो रील देखी थी उसमें कहा है कि मैं अपनी टीम से बात करूंगा और अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो एक्शन लिया जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहला एक्शन इस बात का हो कि दोनों के बीच में संवाद हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद, मैं दोनों के बीच में संवाद चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तकरार से जो माहौल है वो माहौल खराब हो, और संवाद भी चाहता हूँ और अगर गलती है तो उसमें सुधार हो, ये भी ज़रूरी है। और अगर गलतफहमी हुई है, कोई बात किसी ने गलत रूप से कही है, तो वो भी बात सामने जानी चाहिए। यद्यपि संदीप महेश्वरी जी ने पहले वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, उसके बाद में जब सवाल जवाब हुए तो बिल्कुल नाम खुल कर के गया है, तो अब तकरारें बंद हो, क्योंकि समझदार लोग समझदारी से काम लेते हैं और जो बात बातचीत की जाजम से सुलझ सकती है वहाँ तकरार नहीं करते। समझदार लोग हैं दोनों, कई बार
तार्किक पक्ष आ जाता है, कई बार जल्दबाजी हो जाती है, कई बार समय से पहले आप ये कह देते हैं कि जवाब दे दिया जाता है, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। लेकिन समझदार लोग इस मुद्दे को समझदारी से सुलझाएंगे, ये मेरा निवेदन है। और मैंने एक बात जो कही कि अगर किसी व्यक्ति के मन को पीड़ा हुई है, उसका आर्थिक पक्ष कमज़ोर है, उसे ये लगा है कि ये रुपए भी मेरे पास नहीं थे, कहीं जुगाड़ से कहीं से भी करके उसे देने पड़े हैं और वो संतुष्ट नहीं है, तो मेरा निवेदन है, मैं सभी से करता हूँ, अगर ऐसा संदर्भ कभी भी आए, कहीं भी आए, और आप अगर सक्षम हो तो फिर वो पैसा अपने घर में मत रखिएगा। हमने एक बात सुनी है बड़े बुजुर्गों से, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुआओं का पैसा फलता है, फूलता है, बद्दुआओं का पैसा एक बार आपको समृद्धि जरूर देता है लेकिन आपका सुकून ले लेता है। और यह बात सभी जानते हैं, समझते हैं, बस मुझे यहां कहने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए थी कि कई बार उन प्राचीन कोटों को जो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहे हुए हैं, हम उनको भूल जाते हैं, और एक बार जब वो रिमाइंडर हो जाता है तो फिर लोग उसका उपयोग भी कर लेते हैं, समझदार लोग फिर चूकते भी नहीं हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा जो मंतव्य है वो किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आक्षेप लगाना नहीं है। जितना कुछ मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सुना समझा, उस आधार पर मैंने अपनी बात को कहने की कोशिश की है। मैं ये दावा भी नहीं करता कि मैंने जितना कुछ देखा सुना है वो सुनकर के मैं एकदम 100% सही कह रहा हूँ, मैं ऐसा दावा भी नहीं करता, मैं अपने आप पर इतना गरूर, इतना घमंड नहीं रखता। हाँ, मैंने ईमानदारी से कोशिश की है विषय को समझने की, और उसके आधार पर अपनी बात कहने की मैंने ईमानदारी से कोशिश की है। एक पत्रकार की जिम्मेदारी भी बनती है, और दूसरा, दो बड़े नाम हैं मेरे लिए, बड़े सम्मानीय नाम हैं, मैं जिनका बड़ा आदर करता हूँ, और दोनों के प्रति आदर की भावना से मैंने अपनी बात को रखा है। अगर किसी भी पक्ष के मन में तकलीफ हो, उसके दिल को चोट लगे, तो मेरी अग्रिम क्षमा याचना, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी शब्द से कोई व्यक्ति हर्ट हो, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे शब्द अगर कहीं जोड़ सकें तो जोड़ दें। दिलों को जोड़ना ये सबसे बड़ी बात है, और हम यही कोशिश ऐसे मौक़ों पर करते हैं, और हमने यहाँ पर भी ऐसी कोशिश की है, और दोनों पक्ष अगर मान देंगे तो हम खुद को धन्य समझेंगे, और अगर अनसुना करेंगे तो ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनकी इच्छा है, लेकिन हम दोनों का सम्मान करते हैं। और जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो विवेक जी के भी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इब जी के भी लाखों करोड़ों हैं, उनसे भी हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे पक्ष को किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में कृपया न समझें, कमेंट बॉक्स पर आकर के ऐसा न कहें जिससे दोनों पक्षों के बीच में तकरार हो। अगर आप मेरी मुहिम में सहभागी बन सकें, प्यार और एक दूसरे के सम्मान की बात कर सकें, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।